वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल। और आज जीएस के सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखा था पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड एंटी पार्टीशन मूवमेंट, आज उसको कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद क्या क्या चीजें चली देश में बाहर वो सब देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक कोई कंसोलिडेटेड बड़ा टॉपिक नहीं है, जिसमें हम देखेंगे कल भी जिसके बारे में बात किए थे स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट, एक बार उसको और रिवाइज कर लेंगे स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट को। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि गदर मूवमेंट क्या था, कोमागाता मारू इंसिडेंट क्या था, लखनऊ पैक्ट लखनऊ सेशन क्या था और होम रूल लीग। ठीक, इतनी चीजें कोशिश कवर करने की हम कोशिश करेंगे। अब हम शुरू करते हैं स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट से। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, देखो ये हम कल की क्लास से समझ गए थे कि स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को अपनाया गया था एज अ टूल के हम पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकेंगे एंटी पार्टीशन मूवमेंट के लिए। ये चीज शुरू तो हुई थी इस चीज के लिए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल करना है, हटाना है, रिवोक कराना है, लेकिन एक्चुअल में धीरे 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 ये जो चीज बढ़ी और फाइनली इसको ले गया इधर इंडिया के इंडिपेंडेंस के रास्ते की तरफ, ये स्वदेशी एंड बॉयकॉट का कॉन्सेप्ट। अब देखो स्वदेशी एंड बॉयकॉट के कॉन्सेप्ट में था क्या, इसमें आत्मशक्ति की बात कर रहे थे, राइट। कल भी बात की थी इसके बारे में, आत्मशक्ति मतलब सेल्फ रिलायंस, अपनी चीजें यूज करेंगे, अपनी इंडस्ट्रीज बनाएंगे, अपनी चीजों को प्रीच करेंगे, फॉरेन गुड्स फॉरेन मटेरियल फॉरेन स्पीचेस फॉरेन कोड्स सब चीज को डिस्कार्ड करेंगे, सिर्फ इंडियन चीजें होगी इन यूज। और उसके एग्जांपल में हमने देखा था वाइड स्केल, इसको फॉलो किया गया था, विमेन ने इसको फॉलो किया था, छोड़ दिया था चूड़ी वगैरह पहनना, स्टूडेंट्स ने भी कॉलेजेस जाने बंद कर दिए, स्कूल जाने बंद कर दिए जो बाहर गए थे, पंडित का एग्जाम्पल मौलवीज का एग्जाम्पल ऐसा बहुत था। तो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट वाज अ सक्सेसफुल मूवमेंट, मतलब ब्रिटिशर्स को जो झटका देना था वो उन्होंने दिया। बट जैसे कि ये शुरुआत का फेज था तो उस लेवल तक ये चीज नहीं जा पाई और फाइनली इट वाज सप्रेस्ड। और कल हमने ये भी देखा था कि जब सप्रेस्ड किया उसके बाद क्या किया था कि जो मेजर लीडर्स थे उनको डिपोर्ट कर दिया गया, अरेस्ट करके बहुत सारे लीडर, जैसे एक हमारा एग्जांपल था बाल गंगाधर तिलक, डिपोर्ट कर दिया थे कहां, मैंडले जेल बर्मा, राइट। तो स्वदेशी एंड बॉयकॉट, स्वदेशी मतलब अपना, बॉयकॉट मतलब नहीं यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम गदर मूवमेंट पे। गदर मूवमेंट क्या था, गदर जो था वो सब वीकली न्यूज़पेपर, वो सब वीकली न्यूज़पेपर जो कि यही अपने आइडियाज को प्रोपेगेट करता था स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के, ठीक है, स्वदेशी के आइडिया को प्रोपेगेट करता था। वैसे ही रामनाथपुरी ने इशू किया था सर्कुलर ए आजादी, इशूड सर्कुलर इन आजादी अमेरिका में, आजादी इन अमेरिका किस चीज के फेवर में, स्वदेशी मूवमेंट के फेवर में, फेवर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो गदर वीकली न्यूज़पेपर था ये हमारे आइडियाज को बताता था कि स्वदेशी का आइडिया क्या है, बॉयकॉट का आइडिया क्या है, लोगों के अंदर ये चीज प्रीच करते थे न्यूज़पेपर, हमारा आत्मशक्ति और सेल्फ रिलायंट होने के तरीके, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर था वो था सैन फ्रांसिस्को में। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लाला हरदयाल एंड हिज क्लोज एसोसिएट्स, लाला हरदयाल एस्टैब्लिश्ड इट। और लाला हरदयाल ने एक और चीज एस्टैब्लिश की थी, वो था हिंदी एसोसिएशन कहां पे, पोर्टलैंड में इन 1913 पोर्टलैंड में हिंदी एसोसिएशन लाला हरदयाल ने एस्टैब्लिश की थी और लाला हरदयाल ने ही गदर मूवमेंट को ऑलमोस्ट लीड किया था। अब देखो गदर इतना मूवमेंट शुरू क्यों हुआ, गदर मूवमेंट के शुरू होने के दो इंसिडेंट मेन थे, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और दूसरा तुम्हारा हो जाता है कोमागाता मारू इंसिडेंट। तो अब कोमागाता मारू इंसिडेंट के बारे में देखते हैं। देखो कोमागाता मारू जो ये नाम है ना, ये जो थी एक शिप थी, शिप दिस
वॉज अ शिप कोमागाता मारू इंसिडेंट और ये ट्रेवल कर रही थी सिंगापुर से सिंगापुर टू वैंकूवर वैंकूवर बट इसको रोक दिया गया और बोला वापस जाओ शिप को वैंकूवर नहीं पहुंचने दिया गया रास्ते में रोक के बोले वापस जाओ और ये जो वापस आके कैलकाटा कैलकाटा में बज बज पे रुकी तो जो पुलिस थी ना वहां पे उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर दी जिसमें लोग मारे गए अब ये जो इन्होंने तो यहां पे जो पुलिस ने फायरिंग की उसमें 18 लोग मर गए जब 18 लोग मर गए तो गदर रिवॉल्यूशनरिस्ट जो थे वो और ज्यादा एक्टिव हो गए गदर रिवॉल्यूशनरिस्ट एक्टिव हो गए और बोला कि ये अब सीरियस अटैक करेंगे हम ब्रिटिश रूल पे और उन्होंने गदर मूवमेंट की एक्टिविटीज तेज कर दी अब 1915 में ये सब देखते हुए बाय डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट क्या हुआ कि लोगों को अरेस्ट करने लग गए लोग विदाउट इवन बीइंग ट्रायल कोर्ट मार्शल होने लग गया जो सोल्जर्स थे इंडिया के रेवोल्यूशनरीज को सप्रेस करने की जो कोशिश थी वो तैयार हो गई और ये ब्रिटिशर्स ने सक्सेसफुली इसको सप्रेस किया क्योंकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन था देश में वो नहीं चाहते थे ब्रिटिशर्स की कोई ऐसा और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू हो जो लोगों को फिर से यूनाइट करे ठीक है देखो गदर मूवमेंट के सप्रेस होने का फेलियर होने का कारण क्या था कि ये बहुत अच्छे से इनके पास कोई टैक्टिकल स्ट्रैटेजी नहीं थी इसका मतलब क्या है कि एक सस्टेन्ड लीडरशिप एक क्वालिटी लीडरशिप नहीं थी हमारे लीडर्स के पास गदर मूवमेंट के टाइम और तीसरा फैक्टर क्या था कि इन्होंने ब्रिटिश पावर को अंडर एस्टिमेट किया था तीन चीजें एक टैक्टिकल स्ट्रैटेजी इनकी अच्छी नहीं थी ब्रिटिश पावर को अंडर एस्टिमेट किया था और एक सस्टेन्ड लीडरशिप नहीं था तो इसके वजह से गदर मूवमेंट उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया जो वो कैपेबल था ब्रिटिशर्स को हराने में ठीक है लखनऊ पैक्ट 1916 लखनऊ पैक्ट वाज साइंड एट द हिस्टोरिक सेशन ऑफ लखनऊ जो कि प्रिसाइडेड बाय लखनऊ सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय अंबिका चरण मजूमदार और इस सेशन की बहुत खास बात है क्या एक तो ये अब ये क्या है पहला कि मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स केम बैक टुगेदर दूसरा क्या लखनऊ पैक्ट वाज साइंड किसके बीच में मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में अब देखो सूरत स्प्लिट 1907 का हुआ था अब जब सूरत स्प्लिट 1907 का हुआ था उसमें क्या था मेजर की मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट वर डिवाइडेड क्योंकि उनके जो विचारधारा थी वो सेम नहीं थी ठीक ऐसे चल रहा था सीन तो एक्सट्रीमिस्ट वर ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द बैकग्राउंड और मॉडरेट्स डोमिनेटेड कांग्रेस ठीक और जब कांग्रेस को डोमिनेट कर रही थी मॉडरेट्स तो उसमें उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा इनएक्टिव थी कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं कर रहे थे तो जब मैंडले जेल से बाल गंगाधर तिलक निकल के आए और देखे सिचुएशन की क्या था सिचुएशन और क्या हो गया है अभी तो उन्होंने एफर्ट्स डालने शुरू किए जब उन्होंने एफर्ट्स डालने शुरू किए क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे मॉडरेट्स ने उनको वेलकम बैक नहीं किया इंडियन नेशनल कांग्रेस में तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ किया जाए तो कुछ करने के लिए उनके एफर्ट्स एनी पेसेंट के एफर्ट्स ने क्या किया मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को एक साथ लेके आ गए बोले कि अब अलग अलग करके ना चीजें हो नहीं पाएंगी तो अब हमें जरूरत है कि हम दोनों साथ में रह के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं एक तो और रीजन कि एनी बेसेंट का बहुत ज्यादा सिंसियर एफर्ट्स था इन दोनों को साथ लाने में दूसरा जो मेजर इंपैक्ट था वो ये था कि दैट टाइम पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी कंट्री की इट रिक्वायर्ड एन एक्सपीरियंस एंड सस्टेन्ड लीडरशिप जो कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के साथ आने पे दोनों के दिमाग दोनों के लीडर्स दोनों के फंक्शनिंग के साथ आने से ही हो सकती थी तो इन्होंने हाथ मिला लिया मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ने सारी चीजों को भुला के अब हम साथ काम करेंगे और साथ स्ट्रगल देंगे हम ब्रिटिशर्स को ठीक है लखनऊ पैक्ट इट वॉज साइंड बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी तक मुस्लिम लीग जब से 1906 में इसकी स्थापना हुई थी तब से अभी तक इनका कुछ जो ऑर्थोडॉक्स लीडर्स थे इनका कुछ क्लियर नहीं था कि करना क्या है जो भी बस उनका एक चीज था कि हमको लॉयल होना है ब्रिटिशर्स के सामने कि हम ब्रिटिश के लॉयलिस्ट बन के रहेंगे और जो जैसा होगा वैसे करेंगे तो मुस्लिम लीग का अभी तक कुछ सस्टेन्ड या फोकस्ड व्यू अप्रोच नहीं था लेकिन अब जब ऐसा समय आया था तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना
एंड अमंग अदर्स उन्होंने मिलके कांग्रेस के साथ बोला कि हम हाथ मिलाएंगे और अब हम चीजों को आगे लेके जाएंगे और साथ में मिलके ब्रिटिश को स्ट्रगल प्रेजेंट करेंगे। ये जो था लखनऊ पैक्ट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इस एफर्ट के लिए कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को साथ में मिला दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने, सरोजनी नायडू ने उनको कहा था कि बहुत ही नेक पुरुष हैं ये, जो कि पूरे हद तक सही नहीं होता। कुछ ऐसी चीजें हैं हिस्ट्री में जो कि इस चीज को जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन अभी के लिए बस इतना जानो कि इस मुस्लिम लीग में इनके एफर्ट्स जिन्ना के और बाल गंगाधर तिलक के एफर्ट्स की वजह से मुस्लिम लीग और INC साथ में मिलकर काम करने लगे ब्रिटिशर्स को टक्कर देने के लिए। ठीक है, तो देखो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस अब साथ काम करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने साथ रहते रहते अपने डिमांड्स प्रस्तुत किए ब्रिटिशर्स के सामने कि एक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए एक स्कीम आएगी जो कि बेस होगी सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने डिमांड किया कि डिक्लेरेशन आप कीजिए सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। मुस्लिम लीग और INC ने बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड प्रस्तुत की। दूसरा इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर ये क्रिएट कर रहे थे तो उन्होंने मंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम पे नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए इंडिया में ब्रिटिशर्स ने। बट प्रॉब्लम क्या होगी ना, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला प्रॉब्लम आ गया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इसमें बहुत ज्यादा समस्या पैदा हुई क्योंकि इसने इंडिया को रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। ठीक, वो जो कैरेट एंड सिख पॉलिसी ब्रिटिशर्स की होती थी हिंदू और मुस्लिम को लेके डिवाइड एंड रूल, वो चीज इसके आ जाने से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। ठीक है, तो जो लखनऊ सेशन में INC और ML मिलके साथ में डिमांड्स पुट फॉरवर्ड किए थे उसमें कुछ क्लॉजेस थे, वो कुछ क्लॉजेस यहाँ पे आज मेंशन करेंगे, सारे नहीं बट कुछ जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस थे वो मेंशन किए जाएंगे। जैसे कि पहला क्लॉज था देश आपकी सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, सेल्फ गवर्नमेंट होगी इंडिया में, सेल्फ गवर्नमेंट मतलब हम राज करेंगे, हमारे लिए गवर्नमेंट फॉर्म होगी। दूसरा जो एक क्लॉज था मेजर वो ये था कि मुस्लिम्स ने कहा कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में, 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ये देखो एक ब्रिटिशर्स के मोटिव को फुलफिलमेंट करने वाली बात थी, 1/3 रिप्रेजेंटेशन तुम दे रहे हो, इसका मतलब कि क्या हो रहा है, तुम कॉम्युनल लाइंस पे रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो ये चीज फुलफिल कर रहे हो कि कॉम्युनल सीट्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और ये जो चीज था ना वो बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस हुआ आगे चल के, कॉम्युनल लाइंस पे बातों को डिवाइड करने लग गया। ठीक, तीसरा था कि देयर शुड बी अ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर ऑल कम्युनिटीज अंटिल अ कम्युनिटी डिमांडेड जॉइंट इलेक्टोरेट्स। तो मतलब कि जितने भी कम्युनिटीज हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएंगे। ठीक, कम्युनल जो सीट्स यहां पे सो किए गए थे और जो स्ट्रेंथ कम्युनल सीट ने ये ले गया था, ये उस चीज को फुलफिल करता है ये पॉइंट कि जितने भी कम्युनिटीज हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे, बस जब तक रहेंगे तब तक कि कोई वो उनमें से कम्युनिटी बोलता है कि अब हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जरूरत नहीं, अब हम ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स लेंगे। ठीक है, इसका मेजर कॉज ये था। चौथा मेजर कॉज था ओवर रिप्रेजेंटेशन का। ओवर रिप्रेजेंटेशन मतलब कि रिप्रेजेंटेशन बेसिक क्या होता है इलेक्शंस में या फिर असेंबली में काउंसिल में, कि जिस हिसाब का आपका पॉपुलेशन है उस हिसाब से आपके मेंबर्स सेलेक्ट करके जाएंगे, बट यहाँ पे ओवर रिप्रेजेंटेशन की बात हुई थी कि पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं करेंगे, जितना पॉपुलेशन उसके शेयर से ज्यादा मेंबर जाएंगे, ये भी बात एक्सेप्ट की गई। पांचवा जो था मेजर क्लॉज उसमें यह था कि प्रोविंशियल लेवल पे 4/5 ऑफ द मेंबर्स जो है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इलेक्ट होने वाले हैं उसमें से 4/5 इलेक्टेड होंगे और 1/5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। ये 5 पॉइंट थे। और छठा पॉइंट देखते हैं, जो छठा पॉइंट है हमारा वो ये जो साइज होगा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का वो 125 से कम नहीं होगा मेजर प्रोविंसेस में, और 50-75 जो होगा वो माइनर प्रोविंसेस में होना चाहिए। 7th पॉइंट जो था बहुत इंपॉर्टेंट कि जितने भी मेंबर्स हैं सारे मेंबर्स जो कि नॉमिनेटेड नहीं है वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि वो सारे लोग जो 18 साल से ऊपर हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप एथनिसिटी रेस सेक्स वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए। तो जो भी एडल्ट मेंबर्स हैं जो कि इलेक्ट होंगे नॉमिनेटेड के अलावा वो इलेक्ट होंगे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली। उस दिन बताया था उस क्लास में कि दो टाइप के इलेक्शन होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है यू डायरेक्टली सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, इनडायरेक्ट में क्या होता है यू इलेक्ट अ पर्सन हु इलेक्ट्स हु देन फर्दर इलेक्ट्स द कैंडिडेट. ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट है मतलब आप खुद करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज. नेक्स्ट पॉइंट जो है कि कोई भी बिल किसी कम्युनिटी से कंसर्निंग पास नहीं होगी अगर 3/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी अपोजेस द बिल. सिंपल कहानी, क्लियर है, आसान है. कोई भी बिल पास नहीं होगा किसी कम्युनिटी के रिस्पेक्ट में कि अगर उस कम्युनिटी के 3/4 जो मेंबर्स हैं वो इत्तेफाक नहीं रखते उस बिल से. नेक्स्ट जो था क्लॉज वो ये था कि टर्म जो होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो 5 साल का होगा. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, जो मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो अपना प्रेसिडेंट खुद अपने अमंग्स में से चुनेंगे, अपने लोगों में से चुनेंगे. ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट हो गए, इतने पॉइंट्स हो गए. नेक्स्ट आ जाओ 11वें पॉइंट पे. तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी इंडियंस. सिंपल पॉइंट है, क्लियर पॉइंट है. नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अभी को समझ में आ रहा था कि वो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ टाइप की चीजें थी ना, ड्रेन थ्योरी, यहाँ पे कमा के दूसरों को दे रहे हैं. तो अभी इन्होंने कहा यार कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है फॉर इंडियन अफेयर्स उनकी जो सैलरी होगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे करेंगे, इंडियन फंड्स से अब पे नहीं किए जाएंगे. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और नेक्स्ट जो है, एग्जीक्यूटिव शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशियरी. इसका मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव की जो फंक्शनिंग है वो जुडिशियरी की फंक्शनिंग से अलग हो. अब तुम अभी के जो कंडीशंस है उसमें देखते हो ये सब अलग ही अलग है, लेकिन ये हमेशा से कॉन्सेप्ट नहीं था. एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, उनका नाम था मोंटेस्क्यू. उन्होंने ये आइडिया दिया था, क्या आइडिया, सेपरेशन ऑफ पावर्स का, सेपरेशन ऑफ पावर्स का, कि एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी और लेजिस्लेचर अलग अलग होंगे. इसके पीछे का रीजन क्या था, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो. फॉर एग्जाम्पल, तुम लेजिस्लेचर के पार्ट हो, मतलब कि तुमने लॉ कोई बनाया, ठीक, अब वो लॉ काम कर रहा है, इन सर्कुलेशन है, इन ऑपरेशन है. अब जब ये लॉ ऑपरेशन में है तो तुम लेजिस्लेचर के पार्ट थे, अब तुम एग्जीक्यूटिव के पार्ट हो, ठीक है, और लॉ तुम्ही ने बनाया है. तो उस लॉ को अगर कोई भंग करता है, कोई तोड़ता है, तो तुम क्या करोगे उस केस में, एग्जीक्यूटिव के फंक्शन में उस आदमी को पकड़ोगे, अरेस्ट करोगे, जेल में डाल दोगे. जो लॉ तुमने बनाया है तुम्हारे माइंडसेट के बेसिस पे, उसको किसी ने तोड़ा तो तुम्ही ने उसको अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया. अब जब उसके ट्रायल की बारी आई, जब कोर्ट में सुनवाई की बारी आई, तो तुम ही जुडिशियरी भी हो. तो जो लॉ तुमने बनाया, तुमने उसको अरेस्ट किया और तुम ही उस पर जस्टिस दे रहे हो, उस पर सुनवाई कर रहे हो, तो क्या ये पूरी तरीके से जस्टिस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि एक आदमी के हाथ में बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी. तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि पावर को हम सेपरेट कर देंगे ताकि इनजस्टिस ना हो पाए किसी के पास. तुम आज के डेट में देखो, मजिस्ट्रेट जो होता है उसके पास कितनी ज्यादा पावर होती है, बहुत ही ज्यादा पावर होती है. और इस केस में जुडिशरी भी वो मजिस्ट्रेट ही था, तो क्या अथाह उनके पास पावर होगी? और ये शायद डिक्रीमेंटल था इंडियंस के लिए, तो वो चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से अलग हो जाए. अब देखो, क्लॉजेस तो उन्होंने दे दिए, पैक्ट उन्होंने साइन कर दिया, बट कुछ प्रॉब्लम्स थी. प्रॉब्लम्स कैसे, जैसे कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स का बोला गया था, वो 1/3 तो दे दिया गया, लेकिन 1/3 पॉपुलेशन थी नहीं, तो ये प्रॉब्लम हुआ. और दूसरी चीज क्या, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि कॉम्युनल डिफरेंसेस जो है, कॉम्युनल सीट्स जो है, दे वर सोन, ये प्रूव कर दिया था. और तो और वो एक पॉइंट था जिसमें बहुत सारी कम्युनिटी है और कम्युनिटी के रिगार्डिंग कंसर्निंग कोई बिल पास नहीं होगा जब तक कम्युनिटी के 3/4 मेंबर्स से ज्यादा उस पर अग्री नहीं करते, राइट? तो ये चीज क्या बोला कि इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, तो इनको तोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, इनको कंट्रोल में करना. दूसरा पॉइंट ये था. तीसरा पॉइंट ये था, ओवर रिप्रेजेंटेशन की बात माइनॉरिटीज की, मतलब कि आप एक तरीके से एक सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल को प्रिविलेज दे रहे हो जो कि उतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं होगी अपने देश के डेवलपमेंट में, फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसी चीजें करेंगे ना तो कम्युनल लाइंस हम तोड़ सकेंगे इंडियंस को. कम्युनल लाइंस पे जैसे इंडियंस टूटेंगे, कुछ हमारी तरफ आ जाएंगे, कुछ उनकी तरफ जाएंगे. तो जितने भी हमारी तरफ आएंगे, क्योंकि उनका फायदा हो रहा है, तो ये फ्रीडम स्ट्रगल जो ये आजादी कर रहे हैं वो उनको उतनी आसानी से नहीं मिलेगी, तो हमारा जो मोटिव है ब्रिटिशर्स का वो फुलफिल हो जाएगा. ठीक है, ये था हमारा पूरा लखनऊ सेशन, लखनऊ पैक्ट.
और कैसे डेवलपमेंट इनसे हुए थे। एक वंस अगेन लखनऊ सेशन के जो चेयरमैन थे, प्रेसाइड जिन्होंने किया था, वो थे अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में हुआ था। दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट वापस एक साथ हो गए थे, कांग्रेस में आ गए थे। दूसरा लखनऊ पैक्ट वाज साइंड। ठीक है, अब आगे का टॉपिक देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट आता है होम रूल लीग मूवमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि होम रूल, अपना रूल। तो इसका बेसिक मोटिव क्या होगा कि अपनी आजादी हमें चाहिए, राइट, हमारा रूल होना चाहिए। ट्रू, नाम से ही कंफर्म कर रहा है। अब देखो दो टाइप के होम रूल्स, दो होम रूल्स शुरू हुए थे। एक तो शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने और दूसरा शुरू किया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक बेसिकली महाराष्ट्र प्रोविंस में कुछ एरियाज में कवर कर रहे थे और जो रेस्ट ऑफ इंडिया था वो एनी बेसेंट कर रही थी और मेजर सेंटर था उनका मद्रास, अड्यार आश्रम। अड्यार इज द नेम ऑफ रिवर व्हिच फ्लोस थ्रू मद्रास। ठीक है, तो एनी बेसेंट का ये चीज फंक्शनिंग था, वो था मद्रास में बेसिक और रेस्ट ऑफ इंडिया मेन सेंटर मद्रास था, इनका महाराष्ट्र था बाल गंगाधर तिलक का। अब होम रूल लीग जो था ये बेसिकली आयरिश मूवमेंट से इंस्पायर्ड था, जिसका मोटो था, जिसका मतलब क्या था, सेल्फ रूल। और एनी बेसेंट के दिमाग में ये चीज 1914 से चल रही थी कि हाँ ऐसा कुछ हमको मूवमेंट शुरू करना है, किस लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। लेकिन यहाँ पे एक मेजर चेंज आया बाल गंगाधर तिलक के व्यू पॉइंट में। जैसे पहले एंटी पार्टीशन मूवमेंट के तहत वो क्या कह रहे थे कि हमको अब स्वराज चाहिए, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन हमारे ऊपर है कौन नहीं है, हमें नहीं चाहिए ब्रिटिश क्राउन हमारे ऊपर, हमें चाहिए सिर्फ आजादी। लेकिन अब वो कह रहे थे कि जो स्वराज ऑफ इंडिया है इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, बल्कि उसके अंदर है। तो अब इनका जो मोटिव हो गया था बाल गंगाधर तिलक का कि हमको स्वराज दो बट इट विल नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, मतलब हमारे ऊपर ब्रिटिश क्राउन भी होगा। ठीक है, अब इनकी एक्टिविटीज क्या थी होम रूल लीग मूवमेंट की, इस टाइप की एक्टिविटीज, बड़ी सिंपल एक्टिविटीज थी। इनका मेन एम था प्रोपेगेंडा करना, प्रोपागैंडा करना एंड पॉलिटिकली एडुकेट करना, पॉलिटिकली एडुकेट करना लोगों को। इसमें क्या होता था कि बहुत सारे लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम, असेंबली हॉल्स बनाए गए थे जहां पे देशभक्ति की, पेट्रियोटिज्म की भावना से भरी किताबें रखी गई थी। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल इवेंट्स हुए थे, इंटरनेशनल रेवोल्यूशंस, रेबेलियंस हुए थे, उसके बारे में सारी जानकारियां दी थी, जिसके वजह से क्या हो रहे थे, लोग एजुकेट हो पाए। ठीक, जगह जगह पे नुक्कड़ नाटक के थ्रू इसको प्रोपोगेट किया गया, प्रमोट किया गया कि कैसे हमको चीजें करनी है। भयंकर स्पीचेस दी गई, बहुत ही क्लियर कट और देशभक्ति की भावना से भरपूर स्पीचेस दी गई ताकि लोगों के अंदर वो भावना जागृत हो। किसने दिए, ये बाल गंगाधर तिलक बेसिकली मेन ने। ठीक है, अब और क्या करते थे कि ये फंड्स कलेक्ट करते थे किस लिए, कि वो अपने आइडिया को प्रोपगेट कर सके और लोगों तक पहुंचा सके। फंड्स का कलेक्शन होता था कि फंक्शनिंग भी स्मूथ हो जाए। न्यूज़पेपर पैम्फलेट्स के थ्रू भी इसमें इसको प्रमोट किया जाता था, आर्टिकल्स लिखे जाते थे सारी चीजों के बारे में कि कैसे हमें काम करना है, कैसे चीजों को आगे लेके चलना है, क्या इन्फ्लुएंस है हमारा बाहर का, वो सारी चीजें इनके थ्रू प्रोपगेट की जाती थी और लोगों तक पहुंचाई जाती थी। और बहुत ज्यादा ये सक्सेसफुल भी हुआ था क्योंकि कुछ एक समय पे 1000 लोग थे और साल भर के अंदर ये करीब बढ़ के जो संख्या थी वो 14,000-15,000 तक पहुंच गई थी। इसमें और चीजें क्या थी कि जो भी मॉडरेट्स थे, कुछ मॉडरेट्स जो कि कांग्रेस के इनएक्टिविटी से परेशान थे, कांग्रेस के इनएक्टिविटी से ज्यादा खुश नहीं थे कि कांग्रेस कुछ काम नहीं कर रही थी, तो दे आल्सो जॉइंड होम रूल लीग मूवमेंट और उन्होंने वहां पे फंक्शन किया। ठीक है, ये था हमारा होम रूल लीग। दो मेजर लीडर्स हैं, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसको शुरू किया था। एनी बेसेंट का बेसिक सेंटर जो था वो मद्रास था, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और सेंट्रल प्रोविंस से कुछ पार्ट से उसको लीड कर रहे थे। ये बेसिकली इंस्पायर्ड था आयरिश मूवमेंट से, जिसका मेन मोटिव सेल्फ रूल। ठीक, एक्टिविटीज जो थी इनकी प्रोपागैंडिस थी, पॉलिटिकली एडुकेट करना था लोगों को, कैसे करते थे, असेंबलीज लाते थे, पॉलिटिकल एक रीडिंग हॉल्स थे, लाइब्रेरीज थे जिसमें वो पॉलिटिकली एजुकेट करते थे लोगों को, नाटक करते थे, स्पीचेस देते थे, पैम्फलेट्स देते थे, न्यूज़पेपर देते थे ताकि लोगों के अंदर वो चीज डेवलप हो जाए। ठीक है, ये था हमारा होम रूल लीग मूवमेंट। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में हम गांधी फेज शुरू करेंगे। चलो मजे करो।